गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने रिसेंटली कटिंग करवाई थी और उसके बाद उनने जो सेटिंग की थी, माय हेयर लुक सुपर्ब। एंड उसके बाद अगेन मैंने खुद भी स्ट्रेट किए थे बाल, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और अभी आज मैंने फिर से धोए हैं बाल, तो ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड से। दीज आर माय रियल हेयर, ऐसे लगते हैं मेरे बाल। हेयर आई वांट टू गेट समथिंग डन एंड थोड़े दिनों में आई एम गेटिंग कैरेटिन ट्रीटमेंट डन मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज आई रियली रियली नीड इट। आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस सो दैट यू गेट टू नो मी बेटर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे जहाँ पे मैंने बोला था कि आप कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछो और आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोहन। रोहन इज आस्किंग वेयर आर यू फ्रॉम। सो रोहन, आई एम फ्रॉम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, विच इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। दिस आई हैड टू से बिकॉज आई ऑलवेज फ्लॉन्ट अबाउट माई सिटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू अ फूडी। ऑफकोर्स आई एम अ फूडी, मुझे देख के ऐसा लगता नहीं है कि मैं फूडी हूँ। तन्मय ने पूछा है ये कि मैं फूडी हूँ या नहीं। मुझे देख के ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि मैं फूडी नहीं हूँ, बट मैं बहुत खाती हूँ यू गाइज। आई लव इटालियन, लाइक आई लव इटालियन एंड समटाइम्स चाइनीज ऑल्सो। पिज्ज़ा इज माई फेवरेट, वाइट सॉस पास्ता इज अगैन माई फेवरेट। मशरूम, आई डाई फॉर मशरूम, इट्स माई मोस्ट फेवरेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय माई ओन फ्रेंड, शी इज आस्किंग हाउ मच यू लव मी। सो प्रेरणा, आई लव यू अ लॉट, लाइक बहुत ही ज़्यादा। इतना प्यार करती हूँ कि मैं शादी तेरे बिना नहीं कर सकती। ऑफकोर्स तेरे से नहीं करूँगी बिकॉज आई एम नॉट अ बाय, बट शादी तेरे बिना नहीं करूँगी। तुझे मेरी शादी में जब भी होगी, यू हैव टू कम एक महीना पहले, सो बी रेडी। सॉरी, आर जे आचार्य सेज सॉरी आई डोंट बिलीव लव बट यू। येस ऑफकोर्स आई बिलीव इन लव बिकॉज लव इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग इफ इज फ्रॉम बोथ साइड्स। बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है एंड आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग एंड येस आई बिलीव इन लव। देन नेक्स्ट वन इज नॉट अ क्वेश्चन बट जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट। ऋतिक सेठी सेइंग आप बहुत क्यूट हो, सो थैंक यू फॉर दैट। देन तरुणा इज माई स्कूल टाइम बेस्टी, शी इज आस्किंग मी वाई यू सो प्रिटी। ये क्वेश्चन मुझे तुझसे पूछना चाहिए बिकॉज यू आर प्रिटियर दैन मी, यू आर सो प्रिटी, यू आर द प्रिटीएस्ट तरुणा। Is not a question but again Muhammad Basit, sorry if I pronounce it wrong, is saying जिससे आपकी वेडिंग होगी वो बहुत खुशकिस्मत होगा। वो तो उसको ही पता है वो कितना खुशकिस्मत है। Yeah, he must know that he is lucky. Now next question is by Devil Crab. This question is kind of funny. He is saying PUBG Mobile India कब वापस आएगी डॉक्टर साहब। सो पबजी मुझे बहुत ही गंदी लगती है और मुझे इतना गुस्सा आता है जो लोग पबजी खेलते रहते हैं और लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करते। भाई आपके आसपास जो लोग हैं उनसे बातें करो, क्या पबजी में घुसे और बोल रहे हाँ मार मार मार, ठीक है चल 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 यार। इट मिसलीड्स अ लॉट एंड आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स के साथ टच बिकॉज ऑफ पबजी। सो आई हेट पबजी। अगर कोई और मेरी ऑडियंस में से डेविल क्रैब की हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ हेल्प हिम एंड लेट हिम नो कि पबजी मोबाइल इंडिया कब वापस आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू माय फील्ड, हाउ डज अर्थराइटिस मेडिकेशन वर्क। सो आई प्रेज्यूम यू आर आस्किंग अबाउट रूमेटॉइड अर्थराइटिस बिकॉज उसी की मेडिकेशंस बहुत टाइम तक चलती हैं। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो रही होती है, मतलब इन्फ्लामेशन हो रही होती है और इट इज़ एन ऑटो इम्यून प्रोसेस। ऑल्सो ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, मतलब एक बार आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया तो वो बढ़ता जाएगा आगे आगे प्रोग्रेस होता रहेगा। दैट इज़ वाई मेडिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो इस केस में अर्थराइटिस में जैसे कि मैंने आपको बताया इन्फ्लामेशन होती है, तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए NSAIDs दिए जाते हैं विच आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो कि इन्फ्लामेशन को कम करेंगे। सो बेसिकली यू आर आस्किंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि क्लोरोक्विन होता है, देन मीथोट्रेक्सेट होता है, ये सब क्या करते हैं, ये आपके जो लाइसोसोमल एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है उनको ये इनहिबिट करते हैं। अगर लाइसोसोमल एंजाइम्स की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो लाइसोसोमल एंजाइम्स अपना काम नहीं करेंगे और लाइसोसोमल एंजाइम्स का काम होता है कि वो
वो बॉडी के सुसाइड बैग्स होते हैं, मतलब अपनी बॉडी को खुद डिस्ट्रॉय करी जा रहे हैं, तो वो बोन्स और कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करते हैं, तभी तो हमारे जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में. तो व्हेन दे आर यू नो डिस्ट्रॉइंग द बोन्स एंड द कार्टिलेज, तो ये जो मेडिसिन है अर्थराइटिस की, ये लाइसोसोमल एंजाइम्स को इनहिबिट कर देंगी और लाइसोसोमल एंजाइम्स अपना काम नहीं कर पाएंगे और बोन्स और जॉइंट्स, बोन्स और कार्टिलेज डिस्ट्रॉय नहीं होंगे. सिमिलरली कुछ ड्रग्स इसमें ऐसे भी होते हैं जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ही इनहिबिट कर देते हैं, मतलब वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय प्रिया. प्रिया पूछ रही थी, आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स योर प्लान फॉर मास्टर्स. सो फॉर नाउ माई प्लान फॉर मास्टर्स इज कि आई वॉन्ट, इफ एट ऑल आई विल डू मास्टर्स, देन आई विल गो अब्रॉड एंड आई स्टडी ओवर देयर एंड देन मोस्ट प्रोबेबली कम बैक, विच इज़ नॉट दैट प्रैक्टिकल इन मोस्ट ऑफ द केसेस. पर मास्टर्स इंडिया में करने का अभी तक कोई प्लान नहीं है, क्योंकि नो कमेंट्स. वंशिका बातला की तरफ से वो पूछ रही है, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल फिजियो एंड वट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर मोटिवेशन. सो इट कैन बी सब्जेक्टिव इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट हाउ टू बी अ सक्सेसफुल फिजियो, सक्सेसफुल फिजियो बनने के लिए आपको पेशेंट्स की फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट से कैसे डील कर. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी यू नो थरो विद योर बेसिक्स. बेसिक्स तो आने ही चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो. अगर आप बेसिक्स में अच्छे नहीं हो तो I doubt if you can become successful or not. And you have to, you know, follow all the ethics. जो भी आपको पढ़ाए जाते हैं ethics में, वो ethics को याद रखना है कि patient से कैसे deal करना है, patient और physio का relationship कैसा होना चाहिए. You guys should know about it all. And reason behind my motivation is, मैं motivate तभी होती हूँ जब मुझे मेरे patients बताते हैं आपकी वजह से ये problem solve हुई है and I am better. तो वंशिका मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको सक्सेसफुल फिजियो बनना है तो अभी से पेशेंट देखना शुरू करो और उन चीज़ों को अपने बेसिक्स के साथ रिलेट करो एंड यू आर गुड टू गो. द ग्रोइंग फिजियो इज आस्किंग, हेलो मैम, आई एम इन सेकेंड ईयर, प्लीज़ गाइड मी फॉर व्हाट थिंग्स आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर ग्रेजुएशन. तो ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहले यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटर्नशिप. इंटर्नशिप में कई बार ऐसा हो सकता है कि people will not let you grow, like they won't let you do the things independently, but you have to be accountable for your own decisions. You have to tell them that yes, I know this and I can apply this, and in case if you don't know what they are doing, you can ask them questions. So the key is you have to be very very active. तो passive जो लोग होते हैं वो तो successful नहीं हो सकते, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप पे बहुत बहुत ध्यान देना है. और इंटर्नशिप में आप इतना सीखोगे कि जॉब आपके कदमों पे होगी अगर आपको जॉब चाहिए तो. सो आई गेस ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड एंड आई रियली लाइक आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आपने मुझे इतने सारे क्वेश्चंस भेजे, आई फेल्ट रियली गुड. इन केस आई डिडंट आंसर एनी, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. जो कैंडल आप पीछे देख रहे हो, इट इज़ फ्रॉम द फ्रेग्रेंस, इट इज़ द स्टार्टअप ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड अ कलीग. कैंडल्स बहुत अच्छी होती है, अरोमा थेरेपी देती हैं. इनमें असेंशियल ऑयल्स हैं विच आर 100% प्योर, दीज आर हैंड पोर्ड, दे आर हैंड मेड गाइज, यू गाइज, दे आर मेड बाई अ ग्रुप ऑफ वुमेन हु हैव फॉर्म्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो इट इज़ अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव, आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू बाय फ्रॉम हिम. In case you want to buy, the link is in description box below. Hello, see you in the next video. Bye. Half three when I called you up, said I need you now 'cause I'm losing patience. Bye for you and